कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रही है। इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 24 नवंबर को बुरहानपुर जिले से प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी श्रिपा और नर्मदा नदी में स्नान करेंगे। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के अलावा गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदों में भी जाकर माथा टेकेंगे। वे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। यह यात्रा मध्य प्रदेश में करीब 16 दिन तक रहेगी। यात्रा के पड़ाव में रोजाना शाम को सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। यात्रा में 118 यात्री पूरे 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से करीब 100 पदयात्री साथ चलेंगे। ये बात कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारत छोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर रागिनी नायक ने कही। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा शुरू होकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में 16 दिनों में 382 किलोमीटर यात्रा चलेगी। बोरली, छैगांव, माखन, सनावद, बड़वाह, इंदौर, उज्जैन, आगर, सुनेर होते हुए राजस्थान की तरफ एंट्री करेगी। राहुल गांधी उज्जैन में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पदयात्रियों के साथ जमीन पर बैठकर पंगत में ही भोजन करेंगे। यात्रा के दौरान रोज शाम को धर्म समा और सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं के आयोजन में भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रूट में पड़ने वाले सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची भी तैयार कराई जा रही है। रागिनी नायक ने बताया कि यात्रा से जुड़ने के लिए आम लोग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा, केंद्र सरकार ने गांधी परिवार के अलावा कई नेताओं की सुरक्षा हटाई है। पंजाब सरकार ने भी वाहवाही लूटने के लिए सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। राहुल गांधी की यात्रा सिपेंद्र सिंह से शुरू हुई। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राहुल गांधी की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रागिनी नायक ने बताया कि राहुल गांधी के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के रूट और कार्यक्रम तय हैं। इसके बाद बाकी के राज्यों में यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले कार्यक्रम और रूट जारी किया जाएगा। बीच में गुजरात, हिमाचल के चुनाव और संसद का सत्र भी शुरू होगा। उस दौरान राहुल गांधी यात्रा को अल्प विराम देकर इन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से ये यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में 118 भारत यात्री हैं, जिनका चयन किया गया है। यानी कि राहुल जी के साथ मूल रूप से इस पूरी यात्रा को संपन्न करेंगे 118 भारतीय।